मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि परेशान न हो, समस्या समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाया जाएगा। इस दौरान इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने आए लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। एस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धन अमुक्त हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि सभी जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर मामले में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिनके पास पक्का आवास नहीं है उन्हें पीएम सीएम आवास योजना के मकान मिलेगा। जिन्हें इलाज की आवश्यकता है उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण उसकी संतुष्टि के मुताबिक कराया जाएगा। पुलिस और राजस्व से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर मामले का समाधान जल्दी से जल्दी हो और कार्रवाई ऐसी हो कि लोगों को दोबारा परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को करारा सबक सिखाया जाए। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के मकान बनवाए जाएं। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुडेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अरे जब खाएंगे तब तो अच्छा लगे। चला दो रोते नहीं रे, रोते नहीं। ले लेते हैं।